अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या कर, हम लोगों ने ट्रेन के तीन चार पोस्टर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज, मेजर से प्लांट पढ़ा था, मिड ब्रेन पढ़ा था, ये पढ़ा था ना। मेड ब्रेन पढ़ लिए थे हम लोग, हम लोग को पढ़ना अब क्या था, आवाज आ रही है, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन कौन होता है, सेरेब्रम, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन के भी पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए, सेरेब्रम और डाइसेफलॉन। सेरेब्रम हो गया और डाइसेफलॉन हो गया, दो पार्ट हो गए। तो आज हम लोग देखेंगे सेरेब्रम, सेरेब्रम में सेरेब्रम है क्या। सेरेब्रम जो आप फ्रंटल व्यू से देखते हैं तो ये दिमाग का अगर खोपड़ी ऊपर तक, सिर्फ की आवाज धीरे धीरे आ रही है सर, माने आप बेटा ने पढ़ लिया था यार, फोन तो कनेक्टेड नहीं है। जो फोर ब्रेन है फोरब्रेन का जो सेरेब्रम पोर्शन है, जब आप इस स्कल को खोलते हो, आप अपनी खोपड़ी, जब इंसान की खोपड़ी खोली जाती है तो क्या होती है, कुछ धारी धारी वाली चीजें दिखाई देती है। जो भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज, उसको क्या किस नाम से जानते हैं, उस पूरे पोर्शन को आप बोलते हैं सेरेब्रम। पूरे पोर्शन क्या बोलते हो, सेरेब्रम। और डैट से किसको बोलते हैं, ये आपको पता चल चुका है। तो सेरेब्रम में ये वाला पोर्शन आपका हो गया क्या चीज, ये ऊपर से फ्रंटल जो देखा जा रहा है, ऊपर से जो देखा जा रहा है, तो ये आपका पूरा एरिया, तो पूरा एरिया आपको क्या है, सेरेब्रम का। और सेरेब्रम आपको पता है दो भागों में डिवाइड होता है, उस चीज को भी देखेंगे कौन डिवाइड कर रहा है, क्यों डिवाइड कर रहा है। जो सेरेब्रम, जब माइंड का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब आपका ब्रेन जो है डेवलप होता है, उस समय जो है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ब्रेन साइज इज इंक्रीज, ब्रेन की भी साइज इंक्रीज होती है, बट उस ब्रेन की साइज में इंक्रीज होने में क्या होता है कि इस सेरेब्रम का जो ऊपर वाला पोर्शन है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर सेल न्यूरस न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट है, और ऊपर वाला जो पोर्शन जिसमें न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट है, आप जान ही चुके हो क्या होता है, यानी ब्रेन सेरेब्रम को भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। ऊपर वाले पोर्शन को आप क्या बोलते हो, हमेशा सिमिलर चीज आप यूज करते हो, ऊपर वाले पोर्शन को कॉर्टेक्स ही तो बोलते हो, और दूसरा जो मिडिल वाला पोर्शन, किसी भी आदमी में जो मिडिल वाला पोर्शन आपको यहाँ दिखाई देता है, उसको आप क्या बोलते हो, मेड। ठीक, तो यहाँ भी सिमिलर चीज आपको देखने को मिलेगी, क्या ऊपर वाले पोर्शन को कार्टेक्स और नीचे वाले पोर्शन को मेडुला बोला। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तो इन दोनों के डेवलपमेंट में, यानी सेरेब्रम के कॉर्टेक्स रीजन और मेडुला रीजन के जो डेवलपमेंट है उसमें डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या आता है, जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो ज्यादा तेजी से ग्रो करता है एज कंपेयर टू मेडुला। जब ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है तो इसको क्या चाहिए, ज्यादा एरिया बनाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन का
ब्रेन जो है यहाँ पर आपका छोटा हो गया और इसके बाद से इसके ऊपर हेड की तरफ बड़ा सा पोर्शन बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। क्या होता है, सारा का सारा पोर्शन क्या होता है, बराबर ही होता है। तो इस बड़े हुए साइज को जो आपकी इंक्रीज हुई है, जो नंबर ऑफ सेल्स इसमें इसके अंदर जो इंक्रीज हो रहे हैं, उसके उसको मेंटेन करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, इस जो जो कॉर्टेक्स रीजन है उसके अंदर फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, फोल्डिंग। यहाँ पर क्या होगी, चीजें फोल्ड होना स्टार्ट हुई, ऐसे ऐसे फोल्ड होना स्टार्ट हुई। अब क्या हो गया, जब ये फोल्ड होगी तो सरफेस एरिया एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ये एरिया इंक्रीज हो जाता है तो इसमें नंबर ऑफ जो न्यूरॉन्स है उनकी संख्या इंक्रीज हो गई। लेकिन अब ये जो फोल्डिंग है, वही फोल्डिंग जब आप बाहर से खोल जब आप इंटीरियर व्यू देखते हो ब्रेन का, तो वही आपको संरचना जो है नजर आती है, क्या जी, फोल्डिंग वाली। और फोल्डिंग में भी जो पोर्शन, फोल्डिंग में ये पोर्शन क्या हो गया, एक फोल्ड हुआ फिर ये दूसरा फोल्ड हुआ, वह इस फोल्डिंग में जो आपके फोल्ड वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं गहराई। इसको क्या बोलते हैं, गहराई। फोल्डिंग वाले पोर्शन को बोल देते हैं गहराई। और फोल्डिंग के वजह से जो ग्रूव बना, ग्रूव का मतलब गड्ढा, क्या बना, ग्रूव बना, ये वाला पोर्शन, ये क्या बना आपका, ग्रूव बना, ये ग्रूव बना। अब ये जो ग्रूव बना, इस ग्रूव को क्या बोल देते हैं, सर्कस। तो यही गहराई और सर्कस, गहराई और सर्कस आपको देखने को मिलता है, जिसके वजह से यही गहराई और सर्कस बन के क्या होते हैं, सेरिब्रम, सेरिब्रम के कॉर्टेक्स रीजन का एरिया को इंक्रीज कर दिया जाता है। और इसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल्स इंक्रीज हो जाती है। इस चीज को क्या कर दिया गया है, आपको जो नोट्स हमने भेजा है उसमें ये चीज दिया गया है, फास्टर ग्रो हो रहा है देन द डीपर वाइट। डीपर वाइट यानी आपका मेडुलर रीजन, मेडुलर रीजन से ज्यादा हो रहा है। अब रिजल्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स रीजन रोल्स एंड फोल्ड ऑन इटसेल्फ, अपने आप को क्या करता है, रोल और फोल्ड करता है। उसके वजह से क्या होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज गहराई। दूसरा नाम गहराई का क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन होता है। इसके बाद से ध्यान दीजिए, इसके बाद से क्या है, दूसरा जो पोर्शन बनता है ग्रूव। देखिए अब ये गहराई बनी, ये गहराई बन गई, ये भी, यानी तीन फोल्डिंग बन गई, एक दो तीन, तीन फोल्डिंग बनी, कितनी गहराई बनी, एक और दो, दो गहराई बनी। सपोज देन ये जो आपकी गहराई बनी, ये जो फोल्डिंग बनी, ये अब ये फोल्डिंग ऐसी बन गई कि ये बहुत ज्यादा डीप हो गई, गहराई क्या हो गई, बहुत ज्यादा डीप हो गई। तो जो डीप, जो आपकी कम डीपर होती है यानी जो सुपरफिशियली होती है, उसके लिए एक वर्ड कौन सा यूज किया जाता है, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं सैलोवर। सैलोवर मतलब सुपरफिशियली, जो आपकी ग्रोव छोटी ग्रोव बन रही है, इसको आप ये भी जान सकते हैं कि जो ब्रेन के अंदर जो छोटी ग्रोव बनती है उसको बोलते हैं गहराई, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सल्कस। सिंगुलर में सल्कस बोलते हैं और प्लूरल में सल्की बोलते हैं। तो जो छोटी बनी उसको सल्कस बोल दिए, लेकिन वहीं पे जो डीप बना, ये क्या बन गया, ये डीप बना, इसकी लेंथ देखिए और इसकी लेंथ देखिए, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। तो छोटे वाले को आप सल्कस बोल देते हैं, और वही जब ये लंबा और डीपर बन जाता है दैट इज नोन एज फीसर्स। क्या बोलते हैं, फीसर्स। यानी आप तीन वर्ड जान चुके हैं, क्या चीज, गहराई यानी गायरस, सल्कस और फीसर्स। तो ये जो फीसर्स होंगे ये डीपर होंगे, और ब्रेन के अंदर चार
चार से पांच जो है आपको ये फीसर्स नजर आते हैं। कैसे होंगे ये ज्यादा डीपर होंगे। एक तो आपको सबसे बड़ा जो है डीपर फीसर्स मिल जाता है, और वो फीसर्स ऐसा होता है जो आपके ब्रेन के, जब सुपरफिशियली आप देखते हैं ब्रेन को, जब आप इंटीरियर व्यू देखते हैं ब्रेन का, ये आपका ब्रेन हो गया, इसमें ये क्या हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया आपका पैराइट, ये जो सैलो वाला पोर्शन जो भीतर की तरफ दिख रहा है दैट इज सल्कस, और यही क्या हो गया, यही डीपर आ गया, तो ये वाला जो अभी ग्रीन में बना रहा हूं दैट इज फिशर्स, ये क्या हो गया फिशर्स हो गया। और ऐसा फिशर्स जो आपके ब्रेन को दो भागों में डिवाइड कर दे, उस फिशर्स को एक नया नाम देते हैं, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स। यानी लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स ऐसा आपके पास ग्रूव है जो आपके ब्रेन को दो इक्वल भागों में, दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। यानी दो हेमिस्फीयर्स के बीच में आपको क्या मिल जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल फीसर्स मिल जाता है, एक राइट और दूसरा लेफ्ट, ये वाला हो गया आपका लेफ्ट और ये वाला हो गया आपका राइट, यानी राइट हेमिस्फीयर और ये हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। ठीक, यानी ब्रेन के जो दो पार्ट आपको दिखते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं हेमिस्फीयर, दूसरे को भी बोलते हैं हेमिस्फीयर, दोनों पार्ट क्या हो गए, हेमिस्फीयर हो गए। और इससे पहले हमने आपको एक स्ट्रक्चर का नाम बता रखा है, क्या चीज, कार्पस कोलेशन। कौन बताएगा कार्पस कोलेशन क्या करता है? सर दोनों हेमिस्फीयर जोड़ने का काम करता है, दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ने का काम करता है। मैं बताऊंगा कि ये जो फाइबर्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं, वो भी आपको आने वाले टाइम में जो है स्पेशली इनका अरेंजमेंट, इसका जो अरेंजमेंट होता है ब्रेन के अंदर वो कई तरह से देखने को मिलता है। अब ये तो आपके हो गए क्या चीज, लॉन्गिट्यूडिनल फीसर्स। अब आपको पता है कि आपके ब्रेन में कई रीजन होते हैं, हेमिस्फीयर जो कार्टेक्स रीजन है आपका, कार्टेक्स रीजन में आपको कई रीजन दिखाई देते हैं, और उनका नाम अगर आपसे बोल दे कि किस बेसिस पे इसका नाम रखा गया, तो आप बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बोन कवर टू देम, यानी जिस पोर्शन को जोन सा बोन कवर कर रही है, उस बोन के नाम के आधार पर उस ब्रेन के उस पोर्शन का नाम पड़ जाता है। जैसे आपको ब्रेन में हमने बताया था क्या चीज, फ्रंटल बोन बताया था, फ्रंटल बोन कहाँ पाया जाता है, पीछे पाया जाता है, क्यों, सामने सर माथे पे, फ्रंट का मतलब ही क्या हो गया, सामने। तो कोई अगर पीछे दिखा कर बोलता है ये फ्रंटल है, तो आप बोल देंगे सीधे क्या चीज, बेवकूफ बना रहा है, सामने बेवकूफ बना दिए। तो ये कभी काल जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कंफ्यूज करके आपकी कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं। तो अगर आपको पता है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती है, आप अपनी कॉन्फिडेंटली आप आंसर को दिया कीजिए, ठीक है, वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत फायदेमंद होगा। तो जो लोब्स में जो सबसे सामने होता है,
जो फ्रंटल बोन होती है उस फ्रंटल बोन के सामने वाले नीचे वाले पोर्शन को आप बोल देते हैं फ्रंटल, फिर दूसरे वाले पोर्शन को आप बोल देते हैं पैराइटल। पैराइटल कहाँ होता है? बीच में, यहाँ पे ऊपर पैराइटल हो गया। टेम्पोरल यानी कान के पास, टेम्पोरल, ये टेम्पोरल हो गया। इसके बाद से ऑक्सीपिटल कहाँ होगा? पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल। अब ये बताइए कि ये जो सारे के सारे जो रीजन हमने बताया वो एक हेमिस्फीयर में होगा या दोनों हेमिस्फीयर में होगा? दोनों में, दोनों में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी अभी बताया जाएगा वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी? दोनों हेमिस्फीयर में होंगी, लेफ्ट में और राइट में। अगर कुछ चीज अगर नया एक्स्ट्रा किसी हेमिस्फीयर में है तो उसको वहां पर जो है हाईलाइट करके बता दूंगा कि वहां पर ये चीज ज्यादा हो। अब ये जो रीजन बना है, ये रीजन ऐसा है नहीं कि जो है दिखता नहीं है, एकदम साफ साफ दिखता है। इसमें एक डिवाइडिंग लाइन, जैसे आपको फिशर्स ने, लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स ने आपको ब्रेन को दो भागों में डिवाइड कर दिया, वैसे ही इन इन सारे पोर्शन को भी क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है थ्रू द फिशर्स। किसके द्वारा? जो फिशर्स होते हैं वो इसकी बाउंड्री लाइन को तैयार करता है। जैसे सेंट्रल सर्कस सेपरेट, सेंट्रल जो सर्कस होता है, सेंट्रल सर्कस, सेंट्रल सर्कस सेपरेट द फ्रंटल लोब फ्रॉम द पैराइटल लोब। सेंट्रल लो सेंट्रल जो सर्कस होता है वो सेपरेट करता है आपके किसको? फ्रंटल लोब को और पैराइटल लोब, यानी पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब के बीच में जो लाइन आपको छोटा सा ग्रुप दिखाई देगा जिसको सर्कस बोलेंगे, वो सर्कस क्या करेगा? इस एरिया पे लाइन बाउंड्री बनाएगा। दूसरा लेटरल सेरिब्रल सर्कस, लेटरल सेरिब्रल सर्कस ये क्या करता है? ये आपके बीच में पाया जाता है किसके? इट सेपरेट द फ्रंटल फ्रॉम द टेम्पोरल। फ्रंटल यानी आगे वाले और टेम्पोरल का मतलब साइड वाले, यानी साइड वाले को फ्रंटल से अलग करेगा, यानी कहां पाएगा? पाया जाएगा बीच में, यहाँ पर इस पोर्शन में पाया जाएगा। और फ्रंटल और पैराइटल, फ्रंटल मतलब ये आगे वाला और पैराइटल ये बीच में, यानी ये कहां पाया जाएगा? यहां पर पाया जाएगा। तीसरा पैराइटल पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल का मतलब पैराइटल पोर्शन और ऑक्सीपिटल पोर्शन दोनों के बीच में जो सल्कस पाया जाएगा, छोटा सा जो फीचर्स दिखता है आपको उसको बोल देते हैं पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही क्वेश्चंस इससे पूछा गया है, ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ब्रेन में अब तक चार पोर्शन आप जानते थे, बट एक पांचवा पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंसुला बोलते हैं। तो मोस्टली 90% लोग, 99% लोग क्या बोलते हैं? 90% लोग बोलते हैं चार पोर्शन पाया जाता है, बट एक डीपर रीजन पाया जाता है, छोटा सा एक डीपर रीजन पाया जाता है जिसको इंसुला बोलते हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल आप कभी रिजिड नहीं होंगे कि नहीं पांच पोर्शन पाया जा रहा है। कोई अगर ऐसा बंदा है जिसको जानकारी है, जो बारे में जान रहा है, अगर वहां पर ऑप्शन भी आ रहा है तो आप इस चीज को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, आपके उस रीजन को बताने के लिए कि कहाँ पर कौन सा जो है जूम का सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ ना, यस सर, दिख रहा है। अब इसमें आप लोग बताएंगे कौन कौन सा सर्कस है, ठीक है। चलिए, पूरा ये सेरिब्रम वाला रीजन आपको दिख रहा है। अब इस सेरिब्रम रीजन में, इस सेरिब्रम रीजन में लाइनें दिख रही है,
ये देखिए, ये पीले कलर से इधर बनाया गया है, तो ये पीला कलर जो बनाया गया है वो किसका है, किस, ये पूरा पीला का पीला जो कलर है ये रीजन आपका फ्रंटल है। इसको फिर से इसको जो है पीला बना देते हैं ताकि आपको पता चले ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, फ्रंटल रीजन। अब ये फ्रंटल रीजन को बनाने में दो सर्कस पार्टिसिपेट किए थे, दो सर्कस पार्टिसिपेट किए थे। पहला सर्कस कौन सा था, सेंट्रल सर्कस था। सेंट्रल सर्कस क्या कर रहा था, पेराइटल रीजन को फ्रंटल रीजन से अलग कर रहा है, यानी दोनों के बीच में। सेंट्रल सर्कस कहाँ होगा, ये होगा, क्यों ये वाला होगा, क्यों ये होगा, क्या आंसर आना चाहिए आप, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। देखिए अभी पहले रीजन आपको बताता हूँ, ये आपका फ्रंटल रीजन है, ये आपका पैराइटल रीजन है, ये आपका ऑक्सीपिटल रीजन है, और ये आपका कान के साइड वाला, यानी कौन सा रीजन हो गया, टेम्पोरल रीजन हो गया, चार रीजन। अब उन चार रीजन में जो फर्स्ट सेंटर सर्कस है वो कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा पैराइटल और फ्रंटल के बीच में, यानी यह वाला रीजन। ध्यान दीजिएगा इस सर्कस से बहुत सारी चीजें क्लियर कट होंगी, क्योंकि जो भी ब्रेन में बताया जाता है इन्हीं सर्कस के आसपास के एरिया को बताया जाता है। फिर दूसरा दूसरा जो आपका सर्कस आता है वो कौन सा सर्कस है, नाम बताओ, बता, अब नाम तो याद हो जाना चाहिए, लेटरल सेरिब्रल सर्कस। लेटरल सेरिब्रल सर्कस ये कहाँ पाया जाता है, किसके किसके बीच में पाया जाता है, टेम्पोरल और टेम्पोरल और फ्रंटल, टेम्पोरल और फ्रंटल के बीच में पाया गया। इसको आप क्या बोल दोगे, लेटरल सेरिब्रल सर्कस, लेटरल सेरिब्रल सर्कस हो गया। अब आते हैं तीसरे पोर्शन पर, और भी कोई धारी है क्या, और भी कोई सर्कस है क्या यहाँ पे, ये बच, ये किसके किसके बीच में है, पेराइटल और पेराइटल और ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, तो इसी के नाम पर पेराइटल ऑक्सीपिटल सर्कस हो जाता है, पेराइटल ऑक्सीपिटल सर्कस, पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, उन दोनों के बीच में। यानी आपको तीन सर्कस तो यहाँ साफ साफ नजर आ गए, जो चौथी सर्कस है, सर्कस हम ना बोल के हम बोलेंगे चौथी को क्या चीज, लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स कहाँ पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, मांग, जहां पर आप मांग फाड़ते हैं, ठीक है, या फीमेल्स जहां पर मांग फाड़ती हैं, वो वाला क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स हो गया, यानी वो हेमिस्फीयर डिवाइड किया, बाकी सेरिब्रम में जो लोब डिवाइड होते हैं वो सर्कस का काम हो गया। और सर्कस क्या कर रहा है, कुछ ज्यादा ग्रुप वाले सर्कस मिल जाते हैं तो उनका अलग अलग नाम है जो एरिया को डिसाइड कर रहे हैं। जब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। हमने बताया था कि ब्रेन के अंदर तीन रीजन होते हैं, स्पेशली सेरिब्रम के अंदर तीन रीजन होते हैं, कौन कौन, चलिए उसका नाम हम फिर से एक बार आपको बताते हैं। मोटर एरिया, ब्रेन के अंदर क्या होगा, मोटर एरिया होगा, क्यों, सॉरी, एक सेंसरी एरिया होगा, सबसे पहले सेंसरी से लेके चलेंगे, ब्रेन के अंदर सेंसरी एरिया होगा। सेंसरी एरिया का काम क्या होगा, ब्रेन में कहीं से भी कोई भी सेंसेशन हो रहा है, वो कोई भी सेंसेशन है क्या होगा, वहां पे ब्रेन के उस पोर्शन में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ देख रहे हो तो वो कहाँ जाएगा, सेंसरी एरिया में जाएगा, विजुअल सेंसरी एरिया में जाएगा, भाई एरिया बना है उस वहां पे जाएगा, वहां पर क्या होगा, उसको एनालाइज, जब तक सेंस जाएगा नहीं तब तक वहां पर एनालिसिस होगी नहीं, और जब तक एनालिसिस होगी नहीं तब तक मोटर उससे बनेगा नहीं, यानी हर एक चीज का क्या होगा, सेंसरी एरिया आपको मिलता है। ये सेंसरी, अच्छा आप कभी ये इमेजिन कियो कि अगर मच्छर जो है आपके पैर के पैर पर बैठता है तो आपको ये पता चल जाता है कि वो पैर पर बैठा, कभी ये
पीठ पे बैठ गया तो आपका हाथ कहाँ जाता है? सिर्फ पीठ पे जाता है और बॉडी के और कहीं पोर्शन पे नहीं जाता। कैसे? ड्यू टू द सेंसरी रीजन। सेंसरी रीजन ब्रेन के अंदर जो सेंसरी रीजन है, यही सेंसरी रीजन आपके पूरे बॉडी का एक मैप बना के रखता है अपने पास। अपने पास पूरा एक मैप बना के रखता है, उसको एग्जैक्ट पता होता है कि ये अगर सेंसेशन यहां से आया है तो वो मोटर को ऐसा मोटर जब भेजेगी, पल्स जब भेजेगी बना के, तो वो वहीं पे भेजेगी। उसको उड़ाना है या मारना है ये तो बाद का डिसीजन है, वो तो एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है। लेकिन वो यहीं से बिट कर रहा है, यहीं पर काट रहा है, ये पता चलता है सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा? सेंसरी एरिया के द्वारा पता चलता है। तो ब्रेन के अंदर जो मेजर पोर्शन आपको देखने को मिलता है दैट इज द सेंसरी एरिया। तो ब्रेन के पास सेंसरी एरिया के क्या होंगे? न्यूक्लियस पाए जाएंगे। होता है ना कि सर इतना एरिया, इतना जो है न्यूक्लियस इनके अंदर पाए जा रहे हैं, वो याद नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, आप एरिया डिसाइड करेंगे, इसके बाद अपने सेंस को लेंगे, दोनों को जब इनबिल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये पूरा सेंसरी एरिया है, तो यहाँ पे ये चीज जाएगी। वहां से आपको याद हो जाएगा कि किस पोर्शन के अंदर ये आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो फर्स्ट आपका एरिया जो मिला दैट इज द सेंसरी एरिया। अब वो जब सेंसरी एरिया है, वो सेंसरी एरिया कहाँ पाया जाता है? देखिए हमने एरो निकाल के यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने कुछ जाली बनाया है, और वो जाली कहाँ पे है, कौन सा किसके पास में है, कौन बताएगा? जैसे लैंडमार्क होता है ना, सेंट्रल सर्कस के पास में है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।